फहद मुस्तफा ने कहा कि लोग कंटेंट के नाम पर अपने घर को बेच देते हैं। बहुत से टिकटॉकर फॉलोइंग की ज्यादा है, कंटेंट क्रिएट करते हैं, एकदम ड्रामे में फहद मुस्तफा के ऑपोजिट आ जाए, वुड यू एक्सेप्ट दैट? मसला मेरा है, मसला उनका अपना है, बिकॉज़ आई एम प्रोड्यूसर आल्सो, आई एम नॉट, ऑल दीस पीपल मेक कंटेंट इज द मोस्ट ओवररेटेड वर्ड इन दिस कंट्री, एंड मुझे जैसे हर किसी को कंटेंट कंटेंट कंटेंट, देयर इज नो सच कंटेंट, एवरीबॉडी सेलिंग दुनिया में नहीं ना, वैसे इनकी बात कर रहा हूं, बाकी तो कहानी सेम ही है। कंटेंट क्या है, घर फैमिली बेच रहे सारे बैठे, मतलब क्या है, सुबह दोपहर शाम आज किचन में फेरी बना ली, आज हमें पांव पड़े हैं, आज कब्रिस्तान तक नहीं छोड़े लोग, मैं तो ये देखता हूं, आज अल्लाह जन्नत नसीब करे सबकी, जिनकी मायने यहां पे आप गए हैं, कब्र कब्र याद मां की बड़ी याद आई, आप भी दुआ करते, मतलब ये क्या है, कौन सा कंटेंट है? सो आई डोंट वांट टू बी नोन फॉर दैट, एटलीस्ट मुझे अच्छी कहानी सुना सकता हूं, बुरी कहानी सुना सकता हूं, अपने घर को नहीं बेच सकता, अपने आप को नहीं बेच सकता। फहद मुस्तफा रिसेंटली शोएब अख्तर के शो में नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि लोग तो कब्रों तक को बख्शते नहीं, कम से कम वो ऐसे नहीं हैं। फहद मुस्तफा का कहना था कि वो कंटेंट के नाम पर अपने घर को या खुद को नहीं बेच सकते। जी तो पाकिस्तान के होस्ट फहद मुस्तफा का मजीद कहना था कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि कंटेंट के नाम पर अपने घर को दिखाएं, अपनी फैमिली को दिखाएं और अपने किचन तक को दिखाएं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ।